यूट्यूब के विषय में मैंने यूट्यूब के वीडियो देख देख कर मनोज देव हो गए और टेक्निकल योगी हो गए, इस तरीके के तमाम लोग जो थे उनको देख देख कर मैंने यूट्यूब के विषय में जाना समझा। जब से मैंने यूट्यूब पर पत्रकारिता शुरू की है उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पत्रकारिता में और भी धार आ गई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम राजेश कश्यप है और मैं पेशे से पत्रकार हूँ और यूट्यूब पर जनसंवाद न्यूज़ के नाम से एक चैनल चला रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुना और यहाँ पर अब काम करके मुझे कैसा लग रहा है, यूट्यूब की दुनिया कैसी मुझे लगी और यूट्यूब के लोग कैसे लगे, किन किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, किन के वीडियो देख करके मैंने यूट्यूब को चलाना सीखा, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी बातें बताऊँगा जो मैंने यूट्यूब पर काम करने के दौरान अनुभव किए हैं। मैं अपने इन सारे अनुभवों को आपके साथ साझा करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे आप भी जो है यूट्यूब पर फेमस हो सकते हैं और यूट्यूब से अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब को लेकर के आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर मैंने यूट्यूब पर काम करना क्यों शुरू किया और यूट्यूब की पत्रकारिता में और ज़मीनी पत्रकारिता में क्या अंतर है, यूट्यूब की पत्रकारिता में क्या समस्याएँ आती हैं और ज़मीन पर क्या समस्याएँ आती हैं पत्रकारिता को करने में। पेशे से चूँकि मैं पत्रकार हूँ और मैंने कई अखबारों में और चैनलों में काम किया हूँ, मैंने अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत स्वतंत्र चेतना अखबार से की थी और उससे होते हुए SMBC चैनल और राष्ट्रीय सारा अखबार तक मैंने काम किया, कई बड़े चैनलों में भी काम किया, कई बड़े संस्थानों में भी काम किया। लेकिन मुझे जो पत्रकारिता करने का मज़ा जो यूट्यूब पर आ रहा है वो मुझे आज तक वहाँ नहीं आया और वहाँ मुझे पत्रकारिता करने में काफ़ी समस्याएं हो रही थी। यूट्यूब की पत्रकारिता में मुझे कम से कम एक बात अच्छी लगती है कि यूट्यूब पर कम से कम मैं अपने विचारों को, अपने खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर पाता हूँ, जबकि ज़मीन पर पत्रकारिता करते समय होता ये था कि हमें अपने वरिष्ठ जनों से सलाह लेनी पड़ती थी, उनके मशवरे के अनुसार चलना पड़ता था। अच्छी खबर होने के बाद भी कभी कभी निजी हित देखते हुए उन खबरों को रोक दिया जाता था, तो इसके चलते मेरी बहुत सी अच्छी अच्छी खबरें भी प्रकाशित नहीं हो पाती थी। लेकिन वही जब से मैंने यूट्यूब पर पत्रकारिता शुरू की है उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पत्रकारिता में और भी धार आ गई है, पत्रकारिता करने का उद्देश्य मेरा कहीं ना कहीं अब सफल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूट्यूब की पत्रकारिता में एक चीज़ और भी मुझे अच्छी बात लगती है कि कम से कम यहाँ पर कुछ आर्थिक भी मदद हो जाती है, यूट्यूब से कुछ पैसा भी जनरेट हो जाता है। यूट्यूब की पत्रकारिता में एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगती है कि यहाँ पर पत्रकारिता करने के साथ साथ और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों से संपर्क भी होता है, यहाँ पर व्यूवर्स की संख्या काफ़ी होती है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो यूट्यूब पर मैं अपनी खबरों को बहुत दूर तक लोगों को सामने प्रसारित कर पाता हूँ, जिससे होता यह है कि मेरी कोई भी खबर जो एक दायरे में सीमित हो जाया करती थी वो आज लाखों लोगों तक पहुँच रही है, उनको लोग लाखों लोग देख रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये होता है कि पत्रकारिता करने का जो मज़ा है वो भी आता है और यूट्यूब पर काम करने का एक नया अनुभव भी मिलता है। यूट्यूब के विषय में मैंने यूट्यूब के वीडियो देख देख कर मनोज देव हो गए और टेक्निकल योगी हो गए, इस तरीके के तमाम लोग जो थे उनको देख देख कर मैंने यूट्यूब के विषय में जाना समझा, यूट्यूब की पत्रकारिता कैसे होती है, यूट्यूब के वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, उनका कैसे प्रसारण किया जाता है, किस तरीके से वीडियो बनाए जाते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन का किस तरीके से ख्याल है, तमाम जितने भी यूट्यूब के रूल और नियम थे वो मैंने मनोज दे से सीखे, टेक्निकली योगी भाई से सीखे, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने, अपने चैनल को ग्रो करने का भी अब मौका मिल रहा है। अब मेरा चैनल भी काफ़ी अच्छे से रन कर रहा है, हालाँकि अभी बीच में काफ़ी समस्याएँ हो गई थी तो मुझे अपने चैनल का नाम भी बदलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद मैं फिर से अपने पुराने नाम जनसंवाद न्यूज़ पर वापस आ गया और मेरा जनसंवाद न्यूज़ जो चैनल है वो अब टॉप की सर्च में भी आने लगा था, जिसके कारण मैंने नाम बदला था। और यूट्यूब की पत्रकारिता में अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अब यहाँ से मुझे अर्निंग भी थोड़ी शुरू हो गई, जिससे मुझे इस काम को करने में और भी आनंद आता है और इस यूट्यूब की पत्रकारिता के साथ साथ मैं अपने और भी काम कर लेता हूँ और ये पार्ट टाइम जॉब होने के साथ साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी हैं और व्यूअर्स के साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर सीखने को मिल जाती हैं जो मैं वहाँ ज़मीन पर पत्रकारिता करते समय नहीं सीख पाता था। यहाँ पर मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जिससे मुझे काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचने का अवसर मिल रहा है। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई स्किल है और आपके पास कोई टैलेंट हो तो आप उसको दिखा सकते हैं और आप ये यूट्यूब पर पैसा भी कमा सकते हैं, इससे आपको नाम भी मिलता है, फेम भी मिलता है और आप
फेमस भी हो जाते हैं बहुत जल्द। यूट्यूब पर तमाम ऐसे लोग हैं जो आज सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आपका भाई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सभी लोगों का सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो एक दिन कहीं ना कहीं हम भी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे। आप सभी के अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट जरूर होगा, तो मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि अगर आप लोग कम से कम यूट्यूब पर आकर के काम करना चाहें तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर अर्निंग के भी अच्छे स्रोत हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वालिटी है, आपके पास नॉलेज है, या आपके पास कोई अच्छी एजुकेशन है जो आप लोगों को दे सकते हैं, आपके पास ऐसी जानकारियों का अगर कोई भंडार है तो आप भी उनको वीडियो के माध्यम से साझा कर सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बस उसके लिए कुछ यूट्यूब की पॉलिसी हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं, उनका पालन आपको करना होगा। और उस पालन को करने के बाद अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर कुछ करने की काबिलियत है, तो आप यूट्यूब पर निश्चित ही सक्सेस हो सकते हैं। यूट्यूब की पत्रकारिता में करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं अब कभी काफ़ी एनर्जेटिक भी महसूस करता हूँ। आप सभी लोगों का प्यार भी काफ़ी खूब मिल रहा है। आप सभी लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद इसने हमारे ऊपर सदैव बनाए रखिएगा। और यूट्यूब की दुनिया में भी मैं जिस प्रकार से काम कर रहा हूँ और आप सबकी लोगों के हौसले और अफजाई की बदौलत आगे बढ़ पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल इतना उद्देश्य था कि मैंने यूट्यूब की पत्रकारिता को क्यों चुना और यूट्यूब की पत्रकारिता को चुनने के पीछे कारण क्या थे, मैंने यूट्यूब पर क्यों आया, ये सब बातें मैंने आपको बताई। और इन बातों को बताने के बाद मेरा केवल आपसे इतना कहना है कि अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है, आपके अंदर भी कोई हुनर है, तो आप उसे यूट्यूब पर बिल्कुल लेकर के आएँ और आप भी फेमस हो जाएं। आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को जरूर दीजिएगा, दबा दीजिएगा और अपने भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।